अस्सलाम वालेकुम। ये फिलिक्स गाड़ी है और इसका वाटर पंप लीक है। ये गाड़ी दूसरी वर्कशॉप से आया था और इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका जो वाटर पंप है आप लोगों को पता ही जंजीर के साथ रहता है। तो ये जब वाटर पंप लीक हो जाता है तो इसका एक लेन ये रहता है, इसमें बाहर जो है ना ये जनरेटर जो डेलमो है ना इसके पास पानी जाता है। लेकिन जब ये लाइन बंद हो जाता है पानी का, तो फिर ये पानी यहाँ पर इंगलट के नीचे जो तलाजा बोलते हैं इसके नीचे जाता है। आप लोग देख सकते हो नीचे अंदर ये पानी है, ये जो लेन है ये वाला ऊपर वाला, इनके सामने देखो आप लोग देख सकते हो अंदर देखो पानी है। तो अभी ये लाइन बंद है जो अक्सर गाड़ियों का पानी ये जनरेटर के पास जाता है, अभी ये लेन बंद है इसका, तो पानी यहाँ पर गया हुआ है। ये जब वाटर पम्प बिल्कुल टूट जाता है तो ये पानी इंजन के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि टैमिंग प्लेट के अंदर रहता है ना। तो अभी हम इसको वाटर पंप को चेंज करेंगे, आप लोगों को इसका टैमिंग भी बताएंगे। और इसकी गाड़ी के अंदर हमने इसका टैमिंग प्लेट खोल दिया, जंजीर भी पूरा नहीं निकालेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और वाटर पंप चेंज करेंगे। लेकिन ये सिर्फ उन बाइक के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ये जो इंगलेट के अंदर ये पानी रहता है, तो ये जो दूसरे वर्कशॉप वाले ने ये पेप चेंज किया, उसका ये मतलब था कि ये पेप जो है ना लीक होगा, लेकिन पेप सही था, इसका वाटर पम्प ही लीक है। आप लोग नीचे देख सकते हैं पानी देख नज़र आ रहे ग्रीन। इसका हमने वाटर पम्प निकाला, अभी आप लोग देख सकते हो, ये देखो इसके अंदर मैंने तार डाला और ये अंदर देखो जो पानी है, देखो उस तरफ ये पानी इधर से निकल रहा है। आप यहाँ फ्रंट से भी देख सकते हो, यहाँ पर एक लाइन ये रहा पानी का, ज़्यादातर पानी इस लाइन से निकलता है डेलमो की तरफ, जो जनरेटर है ना बैटरी वाला इस तरफ निकलता है। लेकिन जब ये लाइन बंद हो जाता है तो ये पानी फिर यहाँ से निकलना शुरू होता है, यहाँ इंगलट के अंदर से उधर गियर की तरफ जाता है। तो बंदा ये समझता है कि ये जो हदीद वाला पेप है या ये ख़राब है, या जो कुआ है पानी का, जो जैकेट है पानी का वाटर जैकेट, या वो ख़राब है। लेकिन वो नहीं, ये यहाँ से वाटर पंप से ही पानी जाता है, लेकिन ये लाइन कंपनी वाले ने दो दिया होता है तो ये अक्सर बंद हो जाता है, तो फिर यहाँ से निकलता है। मैं आपको वाटर पंप में भी दिखाता हूँ, ये इसका वाटर पंप है, ये दो लाइन है, एक लाइन ये रहा, ज़्यादातर इसी लाइन में पानी जब जाता है जब वाटर पम्प लीक हो जाता है, और ये दूसरा लाइन है। जब ये लाइन बंद हो जाएगा तो यहाँ से जाएगा, अगर ये कंपनी वाले दो इसलिए दिया है कि कैसे भी करके पानी इंजन के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब बिल्कुल टूट जाता है वाटर पंप तो फिर जाएगा पानी, फिर रुकेगा नहीं। एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा, अभी इसी पानी की लाइन जो है ना इसी से पानी निकल रहा था। सर अब जिस बाइक को पता नहीं है, तो ये गाड़ी भी अभी हमारे को दूसरे वर्कशॉप से आके मिला है ना, तो उन लोग बेचारे भी बहुत तकलीफ़ में थे कि ये लीक कहाँ से हो रहा है और जाना क्या लीक है। तो वाटर पम्प ही लीक था और कुछ लीक नहीं था। मैं अब वाटर पम्प लगा दिया, बाकी इसके जो टैमिंग निशान है ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, ये सामने, और ये राइट साइड का निशान ये आप देख सकते हो, इसके सामने नुक्ता है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड भी आपने देखा, इसका कैम पोजीशन भी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड का, ये कैम पोजीशन भी देख सकते हो, ये राइट साइड की कैम पोजीशन भी देख सकते हो। इसके अलावा जो नीचे है, नीचे भी आप देख सकते हो जो निशान है, ये दो जंजीर के ऊपर जो निशान है इसकी नुक्ते के बीच में आना चाहिए, ये इसका टाइमिंग का पोजीशन और निशान है।